बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा फलकियाती म्यूज़ियम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा फलकियाती म्यूज़ियम कायम। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन के हामल फलकियाती म्यूज़ियम का इफ्तिताह हो गया है। इसका पुरानी डिज़ाइन पचीदा खमीदा अशकाल में ढाल गया है, जो कायनात ज्योमेट्री को ज़ाहिर करता है। मरकजी इमारत को ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि ऊपर तले तीन दायरे नुमा साख्ती मौजूद हैं। यह डिज़ाइन सियारे और इनकी मददगार को ज़ाहिर करता है। वज़्रह के म्यूज़ियम कुल 4,20,000 मरबा फुट पर फैला हुआ है, जिसमें कई कमरों पर मुश्तमल नुमाइशें, डिस्प्ले, सियारगाह, प्लानटेरियम और एक रसदगाह और 78 फुट बुलंद शमसी दूरबीन भी नसब है, जिसका डिज़ाइन अमरीकी फॉर्म ने बनाया है, जिसको 2014 का डिज़ाइनर अवार्ड भी मिल चुका है। इस तरह यह इमारत मुकम्मल तौर पर फलकियाती तसरात को वाजे करती है। इसके मरकजी दरवाजे का रोशनी में दायरा है और जो मौसम और दिन के वक्त को जाहिर करता है। इसमें रोशनी फर्श पर पड़ती है और सारा दिन एक से दूसरे मुकाम तक मुंतकल होती रहती है। इस तरह ये एक धूप कड़ी का काम करती है। इससे आगे प्लानटेरियम को मरकजी इमारत है, जिसका डिज़ाइन चांद की तरह गोल है और यूं लगता है कि जैसे चांद तलुब हो रहा है। इसके नीचे बेवजनी दिखाई गई है, जिसके नीचे से लोग गुजर सकते हैं। इसके आगे शीशे से बना उल्टा गुंबद है, जहाँ रात को बैठकर आसमान का नज़ारा किया जा सकता है।